सुना आप लोगों से यही कि हलाला का मतलब यही होता है कि अगर शौहर उसको अगर तलाक दे देता है और फिर चाहता है कि हम उस औरत से शादी करें, तो फिर उसके लिए कोई मुला या मौलवी उनसे राजी होते हैं और कॉन्ट्रैक्ट बेस पे उन लोगों से निकाह करते हैं, और फिर उन लोगों फिर तलाक दे देते हैं, फिर दूसरा आदमी उसे शादी कर लेता है। ठीक है मैम, आप ये चीज हमको आपने कुरान में दिखाई है कि ऐसा कहाँ लिखा हुआ है कि इस पे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे साइन किया जाता है? मौलाना साहब ने अच्छी बात सुनी थी आप लोगों से, जो बात सुना हमेशा देखो तो सेक्स रिलेटेड बातें होती है और तरह की भी बातें होती है, मैं एग्री करता हूँ, लेकिन उसमें हमें पॉजिटिव चीज नहीं मिलता है। यानी कि आप लोग तो तर्क ये दे देते हैं कि ये चीज गलत है, इस्लाम में ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, आई एक्सेप्टेड, लेकिन उसका सोल्यूशन हमें कोई सही रास्ता नहीं मिलता है। तो मेरे को सोल्यूशन रास्ता दीजिए कि हम लोग ये किताब पढ़कर माने कि औरतों का क्या रिस्पेक्ट है और कोई ऐसा बंदा नहीं है, और वो किताब जो है वो पूरे वर्ल्ड की अच्छाइयों से बना हुआ है। भारतीय संविधान है मैम जी, भारतीय संविधान की बात करते, भारतीय संविधान सिर्फ इंडिया के लिए लागू है, अदर कंट्रीज के लिए लागू नहीं है। दूसरी चीज मैम, संविधान में ये लिखा था कि 3 तलाक तो बैन हो गए, ठीक है, तो मैम 3 तलाक में ये था कि अगर मर्द अगर बीबी को तलाक 3 बार में दे देते हैं तो उनको जेल हो जाएगी, ठीक है, तो 2 साल बाद क्या वो मर्द अपनी बीबी को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि वही औरत उसको जेल भिजवाती है, तो क्या 2 साल बाद मर्द अपनी बीबी को एक्सेप्ट करेगा? नहीं करेगा। वो लड़की ही क्यों उसको एक्सेप्ट करेगी? वो लड़की ही क्यों एक्सेप्ट करेगी? मर्द को भगा दो वहां से, लड़की के लिए बहुत लड़के हैं। जी तो जी, इसी पर आपके क्वेश्चन बस मैम यही प्रूव करिएगा, आपसे एकदम क्वेश्चन एकदम राइट वे टू क्वेश्चन है मैम एकदम। आप हमसे अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटा पहले मैं आप एक कॉल रिकॉर्डिंग सुन रहा था, ठीक है, उस कॉल रिकॉर्डिंग में आप एक लड़का था वो बात कर रहा था कि उसकी उसकी दोस्त है, ठीक है, उसकी तलाक हो गई है, ठीक है, उसकी बीवी से उसने बीवी ने उसके शोहर को तलाक दे दिया है, ठीक है, तो मैम आप मेरे को ये बताइए, उसने लड़का बोल रहा था कि नहीं तलाक तो दे दिया है लेकिन बीबी फिर उसके साथ रहना चाहती है, तो कैसा मर्द है जो अपनी बीबी को तो तलाक दे दिया, ठीक है, लेकिन फिर उसको एक्सेप्ट करना चाहता है, और मैं अभी आपने ये बोले यहाँ पे कि उसको लात से मार को भगा दो जो अपने शोहर को तलाक, जो अपनी बीबी को तलाक दिया है उस शोहर को लात से मार को भगा दो, तो मैम आपने वहां पे ये बात क्यों नहीं कहा कि वो औरत उसको लात से मार को भगा दे, उसको एक्सेप्ट ना करे? आप तो यहाँ पे फंस गई बात पे, अगर वो लड़की चाहती है तो वो कोशिश करे, अगर वो लड़का जो है वो, अगर लड़की देखो ऐसा जो होता है ना, कभी लड़कियां जो होती है बहुत विनम्र दिल की होती हैं, लड़कियां जो होती हैं वो चाहती हैं कि मेरा घर बिगड़े नहीं, क्यों? क्योंकि उनके बहुत सारे जो चीजें हैं वो लगी होती हैं, इज्जत है, समाज है, बहुत सारी चीजें होती हैं। अगर मुझसे पर्सनली पूछा जाए, कोई बंदा आपको 3 तलाक देता है छोटी छोटी चीज पे, तो ऐसे बंदे को लात मार के भगाओ, जिसने आपकी फीलिंग नहीं समझी है उसको लात मार के भगाओ। दूसरी बात, जिस बंदे ने 3 तलाक के रूल बनाए हैं आपके अल्लाह ताला ने, उसको खुदा नहीं मान सकते। तीसरी बात, 3 तलाक तो हो गया, फिर उस बेचारे के साथ हलाला होगा, तो जिस अल्लाह ने ये हलाला बनाया, हलाला का कॉन्सेप्ट मैम गलत मैम आप लोग बता रही हैं, हलाला का कॉन्सेप्ट नहीं है मैम, हलाला पे जब बात ये आती है मैम, हलाला का कॉन्सेप्ट मैम यही है कि जब तक वो औरत अपने, सुनिए मैम एक थोड़ी सी मेरे को टाइम दीजिए मैम, हलाला पे बात है कि सुन लीजिए मैम, थोड़ी सी सुन लीजिए, हलाला की जब बात आती है मैम, तो हलाला में कहीं भी नहीं लिखा है कि जब वो औरत अगर दूसरे मर्द से अगर शादी करती है तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे शादी करे, उसको तलाक दे दे फिर वो शादी कर, ऐसा नहीं है। जब तक उस औरत को, जब तक रुको डू इट जी, हलाला की आयत बताओ तो, कौन सी आयत है हलाला की? हलाला की नहीं, मुता की है ये, हलाला सेंटर का क्यों है ये हमारे यास्मीन जी, इनको पूछो, ये पाकिस्तान में रहते हैं, ये छुपे छुपे गलियों में मुसलमान के मुस्लिम मेजोरिटी एरियाज में, ये हलाला सेंटर का मैम, ये तौबा करते मैम, नहीं होना चाहिए, हलाला का मतलब इस्लाम ने नहीं सिखाया मैम, हलाला का मतलब इस्लाम ने नहीं सिखाया है कि अगर मैम सुन, थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए ना मैम, क्लियर हो जाएगा सर, क्लियर हो जाएगा। सूरह बकरा की आयत 30 देखते हैं, वहां पर है, हम लोग क्लियर करते हैं। आपको उर्दू आती है सर? मैम हिंदी आती है मेरे को मैम, आई एम इंडियन सर। आप मुस्लिम नहीं हो? मैं मुस्लिम हूँ सर, मुझे भी लोग ऐसे ही बोलते हैं, तुमको उर्दू नहीं आती तुम मुस्लिम नहीं हो, ऐसे बोलते हैं। अब बताओ, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने मैम मैंने अरबी पढ़ा है, ठीक है, मैं उर्दू नहीं पढ़ पाया हूँ, ठीक है, तो ऐसा नहीं है उर्दू नहीं आती है तो फिर अरबी आती है क्या? नहीं कोई बात नहीं, मैं अरबी आती है लेकिन उसका डिफिनेशन नहीं आता है मेरे को मैम। वो तो अरबी तो घर में हम लोग भी पढ़ते थे, पढ़ने में क्या है, उसका हिंदी अनुवाद तर्जुमा
तर्जुमा तो वो अलग चीज है, मैं उर्दू की जहां तक बात है तो उर्दू मेरे को नहीं आती है, लेकिन मैं मेरे को ये जानना है कि क्या हलाला में ये चीज लिखा हुआ है। आपके सामने स्क्रीन दिखाई दे रही है? हाँ मैंने यहाँ लिखा, अभी नहीं आया। ये है सूर्य बकरा, सूर्य बकरा की आयत 230 है सर, हलाला वाली। ठीक है। अब फिर यदि तीसरी बार, यानी कि जब तीन बार तलाक देता है पति, तो वो स्त्री उसके लिए हलाल नहीं है, यानी कि अगर तीन बार पति उसको तलाक देता है तो वो स्त्री उसके लिए वैध नहीं है, यानी कि उसके लिए क्या है, वो उसके लिए फिर वो उसके साथ नहीं रह सकती एज अ वाइफ। जब तक दूसरे पति से विवाह ना कर, ये देखो यहीं पर है, तो वह स्त्री हलाल नहीं है जब तक दूसरे पति से विवाह ना कर ले, यानी कि अल्लाह ताला की शर्त ये है कि रुको, अल्लाह ताला की शर्त ये है कि वो लड़की जब तक, मतलब वो बंदा जो है वो जब तक अपनी उस पत्नी से वापस शादी नहीं कर सकती, जब तक कि वो लड़का, वो लड़की जो है दूसरे के साथ शादी ना कर ले। यहाँ पर सब फिट बैठ रहा है, यानी कि अब जो बोले ना ये निर्धारित किया गया है, ये रूल निर्धारित किया गया है कि उस लड़की को ना सर बोलने दीजिए मुझे, उस यहाँ पर अल्लाह ताला ने ये निर्धारित किया है कि वो लड़का जो है, वो लड़की जो है जिसकी तलाक हुई है, अगर उसको वापस अपने पति के पास जाना है तो लिखा है कि जब तक दूसरे पति से विवाह न करेगी तब तक के लिए वो। हाँ मैम ये बात सही है मैम, ये मैंने कहा, कहा कि नहीं है, लेकिन मैम आपने ये नहीं मैम ये दिखाइए कि वो मैम ये हो जाए कि जब तक अगर हस्बैंड वाइफ अगर जब तक अगर दूसरे पति से जो शादी हुई है अगर मैम जब तक अपनी नजर से तलाक नहीं देंगे ना मैम, दूसरे पति उसे तलाक दे दे, यानी कि जब तक तलाक ना दे, रुको देखो यहाँ देखो, फिर यदि उसे तीसरी बार तलाक दे दे, तलाक हो गया ठीक, तो वो स्त्री उसके लिए वैध नहीं है, अब फिर वो उसके लिए हराम हो गई, ठीक है ठीक है, उसके लिए हलाल नहीं होगी, तो वह स्त्री उसके लिए हलाल नहीं होगी, मतलब वापस से वो लड़की उसके लिए हलाल नहीं होगी, कब नहीं होगी, जब तक, कब तक नहीं होगी, जब तक दूसरे पति, यहाँ हलाला का कंडीशन, जब तक दूसरे पति से विवाह, यहाँ पर अल्लाह ताला हलाला की कंडीशन एप्लीबाई, क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, एप्लीपाई एलबी ओके पता नहीं, मतलब की वो जो है ना वो अपने वो जिस चीज है ना वो डाल रही है, हलाला की जो रूल है वो यहाँ पर डाल रहा है। अब देखो, अब यदि दूसरा पति संभोग के पश्चात उसे तलाक दे दे, अभी ऐसा भी नहीं है, मेरी बात सुनो मेरे दोस्त, ऐसा भी नहीं है यहाँ पर अल्लाह ताला ये कहे कि शादी कर ले फिर छोड़ दे उसे। अब यदि दूसरा पति, इसके लिए हदीस भी दे दूंगी आपको, अब यदि दूसरा पति संभोग सेक्स करने के बाद उसे तलाक दे दे तब प्रथम पति से निर्धारित अवधि पूरी करके फिर विवाह कर सकती है, ये चीज जी, ये चीज है। मैम थोड़ी सी मेरी बात सुन लीजिए मैम, यहाँ पे ये चीज नहीं लिखा है कि वो दोनों तलाक दे ही दे, ये नहीं लिखा है, देना पड़ेगा ऐसा नहीं लिखा गया इसमें कि तलाक उन लोग को देना पड़ेगा आफ्टर संभोग के बाद। मैम यहाँ पे लिखा है कि जब तक वो तलाक, संभोग का तलाक दे दे, ये लिखा, ये नहीं लिखा है कि देना पड़ेगा। मैम अगर ये कंडीशन होता ना मैम तो आई एक्सेप्ट। देखो भैया यहाँ देखो, तो वह स्त्री उसके लिए हलाल नहीं होगी जब तक, हलाल होगी कब, हलाल होने की कंडीशन क्या बताई जा रही है? मैम ये तो पढ़ लिया मैम, नहीं मैम ये पढ़ लिया मैम, ये मैम कोई दिक्कत नहीं है, ये पढ़ लिया, हलाल की कंडीशन ये है भैया सुनो, हमारा जो जो इख्तलाफ है वो इसी चीज पे है कि अल्लाह ताला ने हलाले की शर्त ही क्यों रखी। हलाला की शर्त इसलिए रखा ना मैम, हलाला की शर्त सुनिए मैम, हलाला की शर्त इसलिए रखा ना कि बीबी आपके लिए मजाक नहीं है, ठीक है, अगर आप उसको एक बार तलाक देकर फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फिर एक्सेप्ट कर रहे हैं तो मैं उसको मैं रुको, ठीक है, अब बीबी मजाक नहीं है इसलिए हलाला की शर्त रखी। अब लड़की जो है उसे शादी, उससे तलाक हो गया, अब लड़की जो है वो दूसरे की जगह गई, अब उसके साथ उसने वो कर दिया, फिर उसको तलाक दे दी, अब वो मजाक नहीं है, अब वो सीरियस हो गई। तो मैम बात यहाँ पे मैम देखिए मैम, यहाँ पे तो बात उसकी आ रही है ना कि लड़का ने उसको तलाक क्यों दिया, कुछ तो रीजन होंगे ना मैम, तलाक में ऐसे नहीं होता कोई ऐसे ही तलाक दे दिया, तलाक में तो बहुत सारे रीजन हो सकते हैं मैम, किसी घर में अगर मैम झगड़ा होता है मैम, लड़के के लड़कों के साथ एक पर्सन है, अल्लाह ताला ये बोलता है कि इस लड़के ने उस लड़की को तलाक दी है, चार लोग जाके इस लड़के के पीछे से अपना घुसाए और उस लड़के का जो है वो सिर तोड़े पीछे का, ये बोले तो समझ में आता है, ये ऐसे बोलना चाहिए ना, आपने अपनी पत्नी का तलाक दिया आपके पीछे से वर्जिनिटी टूटनी चाहिए, लड़की की क्यों वर्जिनिटी तोड़ रहे हैं वो लोग, क्यों लड़के लड़की के साथ ऐसा कर रहे हैं, गलती किसकी, तलाक लड़का दे रहा है लड़की दे रही है, मैम लड़की की भी इजाजत है कि अपना खुला ले सकती है,
अरे भैया मेरे तलाक तो लड़का दे रहा है ना यहाँ पर, हलाला सिर्फ लड़की के साथ क्यों हो रहा है, लड़कों के साथ हलाला हो उसके पिछवाड़े में घुसाया जाए सब कुछ। तो तलाक लड़का भी तो लड़की भी तो दे सकती है ना। नहीं अरे भैया लड़की को लड़की के पास है ही नहीं तलाक देने का, वो सिर्फ अर्ज कर सकती है कि मुझे मुझे तलाक दे दो, लड़का नहीं चाहेगा तो नहीं दे सकता। खुला मांग सकती है खुला, लेकिन देना ना देना हस्बैंड के ऊपर है। बिल्कुल बेशक जी जी, वो तो हस्बैंड के ऊपर है। तो क्या दिखा रहे उसको भैया, अल्लाह ताला को क्या शौक है कि हलाला करवा के लड़की की क्या फायदा है, लड़के का क्या फायदा, समाज को क्या क्या उत्तर मिलेगा, पूरे भारत भर में हलाला खिलाफ क्या है कानून अपराध है हलाला करना। ठीक है मैम, आई एक्सेप्टेड मैम, जो लोग मैम गलती करते हैं वो भी जाएंगे जहन्नम में, इतना मुझे पता है, जो लोग ऐसे करते जाएंगे जहन्नम में, ये हमको हम ये तो मैम अलग बात है, लेकिन जाएंगे जहन्नम में, ये मेरा अपना मतलब, मेरा अल्लाह जानता बेहतर जानता है कि उनके साथ क्या सुलूक होगा जो लोग ऐसे करते हैं, लेकिन हम इसके लिए हम अपने अल्लाह को उंगली नहीं उठा सकते। बिल्कुल बिल्कुल उठा सकते, जितने औरतों की बेइज्जती उसने करवाई है तुम्हारे अल्लाह का, जितने औरतों की बेइज्जती उतना तो किसी ने नहीं किया। वो लड़की आती है कैमरे के सामने रोती है, गिड़गिड़ाती है, बिलबिलाती है, बोलती है कि हमारे साथ हमारे ससुर ने किया, हमारे देवर ने किया, सब मेन जड़ क्या है, कारण क्या है, अल्लाह है, देखो क्या लिखा हुआ है। तो वह मैम ये तो मैम हर जगह पे हो रहा है मैम, इसका मतलब क्या मैम, अगर आप कहेंगे कि ठीक है, अगर मैम सुनिए ना मैम, अगर ये चीज अगर मैम जो अभी जो लोग ये कैसा कर रहे हैं, हम तो करें कंडेम करें उसे, गलत चीज है, लेकिन मैम तो हर एक रिलीजन में हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है, जो कुरान में सब रिलीजन पे नहीं जा सकते भी है। रुको भैया रुको, हम लोग सब रिलीजन पे नहीं जा सकते। आपने बोला ये अल्लाह की गलती नहीं, मैं आपको एकदम एग्जांपल देके समझा रही हूँ कैसे 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 इसकी गलती, ठीक है। मान लो आप एक नाटक में काम कर रहे हो, ठीक है, एक नाटक है, उसमें आपको स्क्रिप्ट दिया गया है, स्क्रिप्ट में लिखा गया है कि आपको एक जो बहुत मोटी वस्तु है उसको अपने पीछे डालनी है, ये आपको स्क्रिप्ट में दिया गया है। अब आप क्या करते हो, आप उसको आपको आपको जो है वो सबके सामने करके दिखाना है वो काम, है ना। अब आप नाटक में भाग ले रहे हो, ऐसा भी नहीं बोल सकते मैं नाटक से जाऊंगा, है ना, क्योंकि आपको आपने उसमें अपना नाम दिया हुआ है। तो अब आप उस नाटक में अपना काम करते हो और समय आने पर आप सबके सामने वो जो चीज है वो अपने पृष्ठ भाग में डालते हो, आपसे आपके जो पृष्ठ भाग में है वो लहू आता है। उसके बाद सब लोग बोलते हैं कि ये क्या गलत कर रहे हो तुम, कौन है नाटक वाला, वो जो नाटक की कंपनी है जिन्होंने जिन्होंने वो नाटक रचा हुआ है उसको पीटते हैं, लेकिन लेखक गायब है, लेखक गायब है। अब इसमें आप ये बताओ जो नाटक करवा रहे हैं, लेखक गायब में एक अलग मसला है, रुको सर। अब जो नाटक करवा रहे हैं उनकी गलती है कि जिसने लिख के दिया है कि आपको अपने पीछे में वो चीज डालना है उसकी गलती, क्योंकि आप तो उस लेखक के हिसाब से कर रहे हो। ठीक है मैम, हम उस लेखक के हिसाब से कर रहे हैं, तो वो तो लेखक का मसला अलग मसला है कि कौन राइटर है कौन नहीं, वो अलग डिबेट हो जाता है मैम, गलती किसकी है, अलग डिबेट होता है सर। ये लेखक की किताब आपके सामने रखी हुई है, लेखक ने लिखा है आपको अपनी पत्नी को दूसरे को सौंपना है, ये लेखक की किताब, गलती लेखक की है कि जो आपकी पत्नी के साथ गलत कर रहा है उसकी गलती है सर, बस इतना बता दो मुझे आप। मैम भी तो हो सकता है कि मैम हमारे जो बात लिखी गई हो हमारे समझ से अलग हो, अगर मैम आप जिस तरीके से समझ रही है इस चीज को जो लिखी गई है तो आपके लिए वो सही है, कि आपने जो सही है मैम, मैं भी यही हूँ, आप भी यही हो, समझाओ। ठीक है मैं जिस तरीके से बात को समझाऊं कि अगर जब हलाला की बात आती है तो जिस औरत से अगर उसकी जब शादी होती है तो ठीक ये बात सही है कि उसमें ये बात बोला गया कि सेक्स के बाद उसके साथ संभोग किया था, लेकिन मैम उसमें हमें दलाल ये भी है कि मतलब कि जब तक वो मर्द अगर चाहे उस बीबी के साथ रहना चाहे और जब तक मर्द उसको तलाक ना दे दे तब तक मैम ये मैम लाजिम नहीं है कि औरत उस दूसरे पहले वाले आदमी से शादी कर सके। या मैम यहाँ पे जो बात आ रही है ना, इसका मतलब सीधा बात ये निकल रहा है कि वो मैं बात इसलिए हो रही है कि वो दूसरे आदमी से शादी करके अपनी लाइफ गुजार सकती है, ऐसा नहीं है कि उसके साथ नहीं गुजार सकती है। तो हम लोग मैम इस चीज को ये समझ रहे हैं और इसके हिसाब से मैं कहता हूँ कि मेरा लेखक राइट है। अब मैम आप जो समझ रही हैं कि आपके हिसाब से ये चीज गलत है नहीं होना चाहिए तो आपके लिए रॉन्ग है, बट मैं उस चीज को नहीं मान रहा हूँ ना। अगर मेरे सामने अगर ऐसा मसला आएगा तो मैं अपने बीबी को तलाक देने से पहले 100 बार सोचूंगा मैम, 100 बार सोचूंगा कि हमारी बीबी ने अगर उसको तलाक दे दिया तो अगर मैं तलाक दे दिया तो मैं वो हमारे लिए नहीं बनी है।
वो फिर अपनी मर्जी से किसी और से शादी करेगी। तो मैम ये मेरा थॉट्स है और ये कुरान का थॉट्स है, उसे ये समझते हैं। ठीक है सज्जन, आपने बोल दिया, ठीक है आपने बोल दिया, मैं आपकी बात का सम्मान करती हूँ। अब एक चीज कहती हूँ, असीम 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 जी, एक मैं आपके सामने कंडीशन रखती हूँ, आप उस कंडीशन पे बताना आप क्या करोगे। मान लीजिए कि एक लड़की है, उसकी शादी होती है एक लड़के से, ठीक है, ठीक है, आप सुन रहे हो सर, ठीक है। अब वो लड़की जो है वो उस लड़के को वो लड़का जो है वो उस लड़के को तलाक दे देता है, लड़की जो है वो उस लड़के से जो है वो अलग हो जाती है शरीयत के हिसाब से। अब वो लड़की घर पे रहती है, एक साल दो साल तीन साल बीत गए, लड़की खुद से कमा खा रही है, अपने घर का पालन पोषण कर रही है, लड़के को अपने दुख का एहसास होता है, लड़की ने दूसरी शादी अब तक नहीं की है, ठीक है। अब वो लड़की जो है, अब वो जो लड़का है वो उस लड़की से दोबारा शादी करना चाहता है, क्या वो लड़का उस लड़की से शादी कर सकता है? मैम सबसे पहले मैम तलाक क्यों दिया मैम, इसका रीजन जानना पड़ेगा मैम, और मैं रीजन बताती हूँ। उस लड़की के दांत टेढ़े मेढ़े थे तो उस लड़के ने उसको तलाक दे दिया। और ये जो है वो सिर्फ मैं बोल नहीं रही, मैं आपको YouTube पे दिखाऊंगी, वो लड़की रोके बताती है कि मेरे दांत टेढ़े मेढ़े थे इसलिए उसने, मेरे खुद के पड़ोस में ऐसा हुआ, लड़की जो थी वो सांवली थी, उसके हाथ वाथ जल गए, फिर ठीक हुआ, फिर वो बदसूरत दिखने लग गई तो फिर तलाक दे दिया। बहुत से ऐसी वजह है, तो हम लोग यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं कि उस लड़की के दांत टेढ़े मेढ़े थे इसलिए वो लड़का जो है उसने दे दिया। कई लोग दारू के नशे में दे देते हैं, कई लोग और किसी विधि से दे देते हैं, आप बताओ फिर क्या होगा। यहाँ पे जो बात निकल के आ रही है ना मैम, सीधी सीधी मैम बात निकल कर ये आ रही है मैम, आपने एक जो बात बोला था उस समय कि अगर कोई मर्द उसको तलाक देता है, जिसमें जब मैं ये बात बोला था कि लड़का अगर जेल जाएगा संविधान के अनुसार तो लड़की को लात मार देना चाहिए, तो अगर जो लड़का ऐसा करता है तो उसमें लात मारकर भगा देना चाहिए। और इसके हिसाब से अगर लड़का मैम लड़का वो गलती करता है, लड़का अगर गलती करता है इसलिए हम इस्लाम पे उंगली नहीं उठा सकते। रुको भैया रुको, वो लड़की जो है वो लड़के के साथ रहना चाहती है इसलिए उसने दूसरी शादी नहीं की। अब लड़के को पश्चाताप हो रहा है कि मैंने अपनी बीवी को क्यों निकाला, क्योंकि भले उसके दांत टेढ़े मेढ़े थे लेकिन उसकी प्रकृति अच्छी थी, मुझे एहसास हुआ कि वो लड़की बहुत अच्छी थी, मुझे पुनः से उसे शादी करनी है दोबारा। तो वो लड़का उसके साथ प्रस्ताव करता है, लड़की को भी पसंद है लड़का क्योंकि उसने दूसरी शादी नहीं की अब तक, तो क्या वो लोग शादी कर सकते हैं? मैम इसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता रियली में, अगर इसके बारे में मैं, मैं, मैं बताती हूँ भैया यहाँ पर क्या होगा। यहाँ पर ये लागू होगा, फिर यदि उसे तीसरी बार तलाक दे दी तो वह स्त्री उसके लिए हलाल नहीं होगी जब तक वो दूसरे पति से विवाह न कर ले, भले वो लड़की तलाक के बाद कुंवारी क्यों ना बैठी रहे लेकिन जब तक संभोग नहीं करती, दूसरे के साथ संभोग नहीं करती, दूसरे के साथ संभोग नहीं करती वो। जी मैम ठीक है मैम, मेरी बात सुनिए मैम, तो मैम ये जो तलाक की जो मैम थोड़ी सी बात सुन लीजिए मैम, मैम ये जो तलाक की जो बात आ रही है मैम, ये तीन महीने का जो टाइम दिया गया किस लिए दिया गया था, तीन महीने जो तलाक का जो टाइम दिया किस लिए दिया गया था, सोचने समझने के लिए। सुनो 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 बात, कोई भी हो किसी भी कितना भी बड़ा गुनाह हो, तलाक चाहे वो दस दिनों में दे चाहे एक साल में दे चाहे सौ साल में दे, उसने तलाक दे दिया और उसको वापस लौटने के लिए लड़की को दूसरे के पास सोने वाली जो ये थ्योरी है क्यों है वो, क्यों लड़की सोएगी दूसरे के साथ, लड़का सोए दूसरे के साथ, लड़की के पिछवाड़े में डाला जाए जो भी डालना चाहिए वो लड़की के पीछे क्यों बताओ? मैम ये कहां लिखा है लड़की के पीछे डाला जाए? संभोग, संभोग मैं सिर्फ जी संभोग मैंने आवेग में बोला है पीछे डालना चाहिए, मैं आवेग में बोली इसका मतलब है सोबत सेक्स करना, मैंने आवेग में बोला। तो संभोग मैम संभोग का मतलब ये नहीं होता कि पीछे, इस्लाम में पीछे डालना ही हराम है, सीधी बात। अरे भैया मेरे हराम की बात है, अल्लाह ताला उसकी तरफ से अपनी नजरें छिपा लेता है, अल्लाह बोलते कि मुझ से मुंह नहीं दिखाएंगे अपनी तरफ, मेरे मैंने आवेग में बोला है वो चीज, आवेग में अर्थात की मैं जो बोल रही थी उसके। आवेग का मतलब क्या होता है मैम, आवेग का मतलब क्या होता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। आवेग का मतलब होता है और किसी चीज को बोलने के लिए तीव्रता, जो अधिक तीव्रता में इंसान जो है वो कुछ वर्ड की जगह कोई और वर्ड यूज करता है। जी 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 मैम, जी मैम तो मैम ये ऐसी बात नहीं है जी मैम, तो भैया मेरी अल्लाह ताला क्यों चाहते हैं कि वो जो महिला है वो दूसरे के साथ सोए, क्यों चाहते हैं, अल्लाह को क्या मिलने वाला है? जी अल्लाह को मैं ये मिलने वाला है ना कि उस मर्द जो है ठीक है आखिर ये सोच कर अगर उसको तलाक दे दिया है ठीक है, तो बात यहाँ पे आ रही है ना, तलाक से दिया तो ठीक है उस रीजन से दिया, तो उसके पास अगर पढ़ा लिखा इंसान है तो उसको पछतावा तो जरूर होगा कि हमने किस लिए दिया ठीक है। तो मैम यहाँ पर पछतावा का जो जब 14 साल पहले की जब बात है तो मैम ऐसे ही होती थी,
कि जब उस समय जब औरतों जब तलाक होता था ना, तो फिर तलाक के बाद फिर से उन लोग को एक्सेप्ट कर लिया जाता था, ठीक है कि फिर से चलो कोई बात नहीं, हम तुमको तलाक दे दिए, हमारा 2 साल हो गया, फिर तुम मेरे लिए आ जाओ, फिर उनकी शादी हो जाती थी, फिर ऐसा होता चलता गया। तो अल्लाह ने दिखा कि लोग इस चीज को मजाक बना कर रख दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सीरियस, तो मैम यहाँ पे सीरियस कंडीशन रख दिया गया कि अल्लाह ने लाख बार हिदायत दिया कि याद रखो कि अगर तुम अपने बीबी को अगर एक बार अगर तलाक दे दिए तो तुम्हारे करीब तुम लाख मर जाओगे, तो तुम्हारे तरफ को कभी भी नहीं आएगी जब तक कि वो किसी और से शादी ना कर ले। तो मैम यहाँ पे कंडीशन जो रखा गया ना मैम, वो मर्दों के जुर्म पे रखा गया, ना कि इसलिए रखा गया कि तुम उसको संभव इसलिए करो और फिर उसको वहां से मैम सबसे बड़ी चीज मैम यहाँ पे मैम इंसान को टॉर्चर के रखा गया कि इंसान को बीबी को जो तकलीफ दिया ना जिसने तुम्हें उतना अपने के लिए बात दिया गया। रुको एक चीज बताओ, गलती आप करो और हाथ आपके दो आपके भाई के काटे जाए, आपको कैसा लगेगा? वो सही न्याय है? ये तो सही न्याय नहीं है, लेकिन जिस मर्द ने जुर्म किया है मेरे हलाला, तुम दूसरे से शादी करे। अरे भैया मेरे सुनो, तो लड़के ने लड़की के साथ गलत किया और फिर जो लड़की है उसी के साथ हलाला हो रहा है, तो इसमें इसमें फिर उस लड़की क्या दोष है? अब एक चीज और सुनो, मेरी बात एक और सुनो मैम, एक चीज यहाँ पे एक चीज बताइए कि अगर तलाक हो जाती है, ठीक है भैया मुझे एक बात सुनो, भैया मेरी बात सुनो, तीन जोड़े हैं आपके सामने, तीन जोड़े, हम देखेंगे किसकी इज्जत बढ़ रही है, ठीक है। तीन जोड़े हैं, मैं आपको एग्जांपल दूंगी, आप खुद एक्सेप्ट करना, खुद अपने मुंह से बताना किसकी इज्जत बढ़ी है किसकी इज्जत घटी है। तीन जोड़े हैं, एक जैन का जोड़ा है, एक जो है वो यहूदियों का जोड़ा है, एक जो है वो मुस्लिमों का जोड़ा है, तीन जोड़े हैं आपके पास। अब तीनों पुरुषों ने अपनी पत्नियों को तलाक दे दिया, जैन ने भी, यहूदी ने भी, मुस्लिम ने भी। अब तीनों ने 2 साल के बाद वापस से अपनी पत्नी से शादी करना चाहते हैं, तीनों की पत्नी जो है वो कुंवारी है, मतलब कि शादी के बाद दोबारा किसी से शादी नहीं करी उन्होंने। अब जैन ने अपनी पत्नी से शादी कर ली, खुशी खुशी वो चले गए। यहूदी ने अपनी पत्नी से शादी कर ली वापस, वो खुशी खुशी चले गए। अब जो मुस्लिम है वो शादी करने के लिए आया, फिर हलाला किनों बताई। अब लड़की के साथ एक अब लड़की के साथ, लड़की ने क्या किया, उसके लड़की के साथ हलाला हुआ, उसके साथ सेक्स किया गया, लड़की को तलाक दे दिया गया। अब उस लड़की ने उस लड़की के साथ शादी कर ली। अब आप ये बताइए, इन तीनों में से किन महिलाओं की इज्जत बढ़ी है और किन किस महिला की इज्जत घटी है, आप अपने मुंह से बताओ। मैं थोड़ा सा मेरा एक क्वेश्चन बन रहा है ना, जो मर्द पहले उत्तर दो, पहले उत्तर दो, उसके बाद उत्तर तुम दो। मैम उत्तर मेरा यही है ना मैम, यहाँ को ऐसे नहीं, पहले उत्तर दो कि किन की इज्जत बढ़ी है, किन की इज्जत घटी है। मैम एक सवाल पे मैम सोल्यूशन नहीं मिल रहा है मैम। भैया वो आप यहाँ से जो मैं आज बैठी हूँ इसलिए ताकि अपने मोमिन भाइयों का, अपने मुस्लिम बहनों का प्रश्नों के उत्तर दे सकूं, मैं इसलिए बैठी हूँ। लेकिन आप मुझे बताओ किसकी इज्जत बढ़ेगी किसकी इज्जत घटेगी, इतना बताओ। मैम सबसे पहले मैम जानना जरूरी होगा कि तलाक किस बेस पे हुआ। भैया तलाक किसी भी बेस पे हो मुझे उसे लेना देना नहीं है, आप मुझे सिर्फ ये बताइए उन तीनों जोड़ों में से किन महिला की इज्जत बढ़ी है और किस महिला की इज्जत घटी है, बस इतना दे दो, इतना उत्तर दो मुझे, बस इतना ही चाहिए मुझे। मैम यहाँ पे जो बात आ रही है मैम तलाक की, ठीक है, इसमें जो मैम अगर मैम जो तीन तलाक अगर दिया गया है, तो अगर मर्द इस बात पर अगर नहीं सोचा है ना कि मेरी बीबी की क्या। भैया मेरे मेरे प्रश्न मेरा मेरा जो सवाल है वो सिर्फ इतना सा है कि इन तीनों जोड़ों में किसकी इज्जत घटेगी किसकी इज्जत बढ़ेगी, क्या उन दोनों जैन और यहूदियों जो जोड़े हैं उनकी इज्जत घटेगी, क्या वो मुस्लिम है उनकी इज्जत जो है वो, सिर्फ मुझे आंसर दो, ओनली उत्तर दो। हाँ ऐसे बोलो कि हाँ यास्मीन बहन इसकी इज्जत बढ़ेगी इसकी इज्जत घटेगी, बस इतना ही उत्तर दो, कुछ नहीं। फिर आपके हर प्रश्न का उत्तर मैं देने के लिए यहीं बैठी हूँ, कहीं नहीं जा रही। आप मुझे सिर्फ आंसर दो भैया, ठीक है। मैम आपके हिसाब से जो बात आप सुनना चाह रही थी उसी हिसाब से मैंने बोल दिया कि ठीक है मुस्लिमों की इज्जत घट गई, जो लोगों ने शादी किया उन लोगों की इज्जत बढ़ गई। अब मेरा भी आपसे क्वेश्चन है, ठीक है थोड़ी आपका सवाल, आपका सवाल सुनूंगी मैं, इस पर बस थोड़ा निष्कर्ष निकाल दूं। जिस अल्लाह को फॉलो करते हुए, उसके नियम को फॉलो करते हुए एक इंसान की, एक लड़की की इज्जत घटती है, तो वो अल्लाह अल्लाह नहीं है, वो ऐसा इंसान, क्योंकि एक इंसान भी चाहेगा कि इस लड़की की इज्जत बढ़े, इस महिला की इज्जत बढ़े, तो जिस अल्लाह की बात मान के औरतों की इज्जत घटे वो अल्लाह अल्लाह कहलाने के लायक नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए और ऐसे ग्रंथों को छोड़ना चाहिए। ठीक है मैम थोड़ी सी बात सुन लीजिए, अगर मर्द ठीक है अपनी बीवी को तलाक दे दिया, ठीक है, फिर उसने इरादा किया
फिर उसने इरादा किया कि नहीं, हम लोगों ने जो जो किया वो मेरे लिए गलत था, ठीक है। फिर उसने क्या किया कि फिर उसी औरत से उन्हें शादी कर ली, ठीक है। फिर कुछ दिन साथ रहे, फिर समझ नहीं पाई, ठीक है मैम। मेरा मानना ये था मैम कि जैसे कि एक बार मर्द ने उसको तलाक दे दिया, ठीक है, और फिर क्या हुआ कि फिर जब उसने इरादा किया कि ठीक है हम इसे दोबारा शादी करना चाहते हैं, ठीक है, तो फिर उसने क्या किया कि फिर उसने दोबारा उसी औरत से शादी कर ली, ठीक है, और फिर दोबारा क्या, फिर तलाक दे दिया। तो इससे आपका क्या राय है? मतलब एक लड़की दोबारा, मैम हाँ मैम, तीसरी बार भी चाह रही थी अपने पति के साथ रहने की, फिर तलाक दे दिया। मतलब उस लड़के ने पहली बार तलाक दिया, फिर शादी किया, फिर तलाक दे दिया, फिर तलाक दिया, फिर तीसरी बार शादी किया, फिर तलाक दिया, अब फिर वो चाह रहे और फिर चाह रही हम उसके साथ रहे, तो क्या राय है आपका? मतलब तो लड़की को चाहिए कि वो उस लड़के से शादी ना करे। जी मैम, लड़की को चाहिए कि उससे शादी ना करे। तो इस्लाम ने यही कहा कि तुम्हारी औरत कोई कोई रखेल नहीं है, कोई तुम्हारे गुलाम नहीं है कि तुम अगर उसको तलाक दे दोगे तो फिर वो तुम्हारे पास आ जाए। तो मैम जो शर्त रखा गया ना, इसी शर्त रखा गया, रुको सर रुको, जो मैम दो बार बीवी से शादी करता है फिर तलाक देता है, तो औरत को कोई वैल्यू नहीं देता है। भैया आसिफ 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 भैया एक चीज बताओ, एक लड़की जो है उसका पति उसको तलाक देता है, फिर शादी करता है, फिर तलाक देता है, फिर शादी करता है, ऐसे वो 10,000 बार करता है, क्या उसकी औरत? मजाक है, मजाक है, रुको रुको भैया, एग्जांपल है, मजाक नहीं एग्जांपल है, तो क्या वो औरत रखेल कहलाएगी? जी रखेल कहलाएगी, क्योंकि वो शादी करती है फिर तलाक फिर शादी, तो वो अपने सेक्स करती है अपने पति से ही कर रही है, तो वो रखेल नहीं कहलाएगी। लेकिन एग्जांपल देती हूँ, अब एक औरत शादी, एक औरत से कोई शादी करता है, तलाक देता है, हलाला होता है, फिर तलाक देता है, फिर ससुर से हलाला होता है, फिर तलाक, फिर देवर से हलाला होता है, फिर तलाक देता है, ऐसे 10,000 बार तलाक होता है, 10,000 बार अलग अलग लड़कों से हलाला होता है। अब दोनों में से कौन लड़की जो है वो तवायफ है, कौन सी लड़की जो है वो वैश्य है, बताओ? तो मैम आपके हिसाब से मैम, तो वो भी राइट है मैम, जो आप जो हम बता रही हूँ वो मेरे हिसाब से ना, वो लड़की वेश्या है, वो लड़की जो है वो क्या बोले थे आप, रखेला, वो लड़की रखेल है जिसके साथ 10,000 लोगों ने अलग अलग टाइम में सेक्स किया हो, वो लड़की, मैं उसके तलाक को एक सही नहीं मान रही, लेकिन वो लड़की जब भी तलाक लेती है तो वापस अपने उसी पति के साथ ही सोती है, उसी पति के साथ ही रहती है, तो तलाक देती, उसके बच्चे भी होते हैं। अब ये देखो, हलाला हुआ, लड़के ने उसके साथ उसको हलाला तलाक दे दिया उसको, अब तलाक देने के बाद जिसने उसके साथ सेक्स किया हलाला के टाइम पे, तो उसका बच्चा उसमें ठहर गया, उसका बच्चा उस औरत के साथ ठहर गया, तो वो बच्चा किसका होगा? फिर हलाला हुआ, फिर तलाक दिया, फिर हलाला हुआ, फिर उसका बच्चा ठहर गया, फिर दूसरे लड़के का ठहर गया, फिर दूसरी बात पे जा रहे हैं आप, दूसरी बात पे जा रहे हैं, थोड़ी हट जाइए, रुक जा भैया, ऐसे 5 बार तलाक होता है, 5 बार गैर महरम से वो शादी करती है, 5 बार अलग अलग उसके बच्चे होते हैं, तो वो लड़की, वो मुस्लिम लड़की जो है वो रखेल साबित हुई, वो लड़का या फिर वो लड़का जो अपनी पत्नी और उसकी पत्नी के साथ ही जो है शादी होती, तलाक होती, सेक्स होता है, वो सही है? आप ही खुद एक्सेप्ट कर लो, सोच लो, खुद ही सुन लो, समझ लो, कौन रखेल है, कौन सही है, खुद सोच लो। मैम एक चीज मैं बता रहा हूँ, मैं इसमें मैं यही बोलना चाहूंगा, जिस तरीके से हम लोगों ने इस्लाम को जाना और पहचाना, इसमें हम लोग यही चीज मिला कि इंसान को अपनी बीबी को तलाक देने से पहले 100 बार सोचना चाहिए, और जो मर्द अगर ऐसा करता है, मैम सुनिए ना, थोड़ी सी बात सुन लीजिए मेरी, और जो मर्द अगर ऐसा करता है वो गलत करता है, ठीक है, और मेरी नजर में वैसे इंसान को लोगों को इस्लाम भी छोड़ देना, मैम इस्लाम भी अगर लोग छोड़ दे तो वैसे लोगों के लिए हमको कोई मतलब तकलीफ की बात नहीं है। औरत की बेइज्जती, मेरी बात सुनो, औरत की बेइज्जती का मूल कारण अल्लाह है और ये कुरान है। अगर ये कुरान जो है वो हलाला, ये रुको भैया, ये हलाला की जो बात है वो अगर अल्लाह नहीं लाता तो उस औरत की इज्जत जाती नहीं, वो बहुत इज्जत और अजमत वाली कहलाती, लेकिन अल्लाह ताला जो है इज्जत अजमत की बात नहीं करता, वो बात करता है इस औरत के हलाला करो, इसके साथ ये करो, उसके साथ वो करो, इसको खरीदो, इसको बेचो, अल्लाह ये बोलता है। ठीक है मैम, आपकी नजर में जैसे एक सेलिब्रिटी की बात आ गई थोड़ी सी, ठीक है मैम, थोड़ा सा आपका क्वेश्चन मैं थोड़ा सा टर्न करना चाहूंगा यहाँ पे। मेरा क्वेश्चन जो है, जो संविधान पे जो बात आ रहा था कि अगर मर्द औरत को 3 तलाक देता है, ठीक है, और फिर तलाक देने वो जेल जाता है, फिर वो आता है और फिर आता है, तो अपनी बीबी को एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो आप बोलिए वो ऐसे लात मार के खेत देना चाहिए, ना करे तो फिर औरत कहाँ जाएगी? उसके पास पतियों की कमी है, शादी नहीं कर सकती वो।
किससे करेगी मैम? क्योंकि मैम तो मैम अभी मैं डिवोर्स की जब बात अब यहाँ पे बात आती है मैम, आपको पता है मैम इंडिया में कितने विधवा औरत है और क्या उनको शादी हुई है? उनके सेक्सुअल डिजायर नहीं है भैया मेरे, भैया मेरे उसकी मर्जी है, वो शादी करना चाहे तो बहुत सारे मर्द उसका हाथ थान सकते हैं। अब हम लोग ये यहाँ पर डिस्कस करने नहीं बैठेंगे कि उस विधा से शादी कौन करेगा, उस विधवा से शादी कौन करेगा। हम लोग ये डिसाइड करने के लिए बैठे हैं कि कुरान में क्यों ये बात, क्या औरतों की इज्जत उतार रही है? बिल्कुल उतार रही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हलाल किया। ठीक है मैम, ठीक है मैम, ये मैम आपके हिसाब से है, मेरे हिसाब से नहीं। क्योंकि इसमें और मैं पढ़ूंगा, इसके बारे में रिसर्च करूंगा, फिर इसके बारे में आऊंगा। लेकिन जो संविधान की जो आपने बात किया, तो मैम संविधान में मुंबई कोर्ट ने ये भी बोला कि कोई लड़का अगर किसी गैर लड़की को मैम हाथ पकड़ता है, हाथ पकड़ के अगर उसको प्रपोज करता है मैम, तो कोई इशू नहीं है, कोई बात नहीं है। तो मैम मैं बोलूंगा कि अगर कोर्ट के नजर में कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर मेरी बहन को अगर कोई पकड़ गया हाथ पकड़, तो उसका हाथ काट दूंगा, भले उसके लिए जेल क्यों जाना पड़े। तो मैम ये मेरा सोच है, संविधान इससे इजाजत देता है, संविधान इससे इजाजत देता है। हाँ मुंबई के मैं 10 दिन के लिए रुको भैया, एक मिनट रुको। हेलो यस्मीन जी, रुको 2 मिनट रुको सुनील जी रुको। अच्छा आसिफ जी, आप ये बोल रहे हो कि वो हाथ पकड़ के सिर्फ प्रपोज कर देगा तो आप उसका गला काट दोगे, है ना? लेकिन अल्लाह ताला आपकी बीवी को दूसरे के साथ सुला रहा है, उस अल्लाह ताला का आप आरती उतारोगे, है ना? उसके सामने दो पांच बार जो झुकोगे और जिस बेचारे ने हाथ छूके किसी दूसरे लड़की के साथ, वो सिर्फ प्रपोज किया। माननीय कोर्ट ने ये नहीं कहा कि उसके साथ वो सेक्स करे, वो सिर्फ हाथ पकड़ के अपनी भावनाएं व्यक्त करे, है ना? मैं इसका सपोर्ट नहीं करती, मर्यादा भाव से करना चाहिए हर चीज को। लेकिन वो अल्लाह ताला जो आपकी पत्नी को दूसरे के साथ सुला रहा है, उसके सामने 5 बार माथा टेकोगे, लेकिन किसी ने हाथ छू लिया तो उसके साथ क्या करोगे आप? गला काट दोगे? हाथ नहीं काटेंगे, गला की बात नहीं मैम, हाथ काट नहीं। हाँ तो हाथ काट दोगे, बोल रही हूँ मैम। मैं थोड़ी सी मेरी बात समझ रहा हूँ, आप संविधान के बारे में बात कर रही है, तो फिर मैम इस्लाम की तरफ आप ये बातें क्यों कर रही हैं? और अपना नियम चेंज कीजिए मैम। हाथ देखो भैया, हाथ छूने में, हाथ छू के प्रपोज करने में और 700 के बच्चे पैदा करने में बहुत अंतर होता है मेरे भैया। वो जब आपकी बीवी की शादी होगी ना, मतलब हलाला होगा ना, तो वो हाथ छू के प्रपोज नहीं करेगा, वो उसके 700 के बच्चे पैदा करेगा, है ना? तो वो ज्यादा बड़ा चीज है, वो ज्यादा मैम ये बात जान लीजिए ना मैम। थोड़ी सी मैं तभी से बोलूंगा, जरूरी नहीं है कि कोई इंसान किसी के साथ संभोग करता है तो ही मैम वो इंसान राइट है। अगर कोई लड़की का हाथ भी पकड़ता है तो उसका रीजन होगा कि हाथ क्यों पकड़ा उसका। भैया मेरे आपके अल्लाह ताला ने संभोग करने को ऑर्डिनरी कर रखा, बिना संभोग के हलाला पूरा नहीं है, बिना संभोग के हलाला पूरा ही नहीं है। ये बताओ बिना संभोग के आपका हलाला पूरा हो जाएगा? तो मैम औरत को जो मजाक बनाएगा ना मैम, उसके लिए कि तुम भी तकलीफ, इससे इज्जत बढ़ रही है, हलाला से इज्जत बढ़ रही है भैया। तो मैं आखिर में पूछ सकता हूं, अपने मुंह से बोले थे अभी 15-20 मिनट पहले, अपने मुंह से बोले थे कि हाँ उन तीनों जोड़ों में मुस्लिम जो जोड़े हैं उनकी इज्जत घटेगी, अपने मुंह से बोले थे। तो भैया जिसने आपकी बहन की इज्जत उतारी, आपने मुस्लिम जो है वो एक दूसरे मुस्लिम की बहन है कि नहीं? क्योंकि अल्लाह ने कहा है कि ईमान वाले के भाई और बहन है, तो अल्लाह ने तो आपके बहन की इज्जत उतारी है। पता नहीं कितनों के साथ, आपके उसके ससुर के साथ, उसके देवर के साथ, दोस्त के साथ, मौलवियों के साथ, आपके अल्लाह ने तो असली इज्जत उतारी है मुसलमान औरतों की। इज्जत उतारी है अल्लाह मैम। जो मैम किताब निकाला गया ना मैम, ये पूरी दुनिया को सोच को लेकर निकाला गया है। इसपे जो अगला डेटा जो भी हो मैम, कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ मजाक भैया, मेरी नजरों से देखो मैम, आपके नजर में तो मजाक है मैम। भैया मेरी नजरों से देखो, इतना गंदा ये लिखा हुआ पढ़ के कितना गंदा महसूस हो रहा है। फिर यदि उसे तीसरी बार तलाक दे दी तो वो स्त्री उसके लिए हलाल वैध नहीं होगी जब तक दूसरे पति से विवाह न कर ले। अब यदि दूसरा पति संभोग के पश्चात उसे तलाक, ऐसा नहीं बोला ना कि दूसरे पति उसे तलाक दे, तो संभोग के पश्चात सेक्स करने की जरूरत है, सेक्स के बिना उसके साथ तलाक होगा तो भी वो